पढ़ाई के प्रति अब युवाओं में काफ़ी जागरूकता आ रही है। एक ऐसी ही खूबसूरत तस्वीर सामने आई है चिरगांव से, जहां एक युवती की आज ही शादी थी और आज ही उसे परीक्षा देनी थी। तो युवती ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर सीधा अपने स्कूल जा पहुंची, जहां वहां पर अन्य छात्र छात्राएं देखकर उसे हैरान रह गए। देखिए खास रिपोर्ट। चिरगांव से एक खूबसूरत तस्वीर सामने आई है, जिसमें कई छात्राएं परीक्षा दे रही थी और उनमें एक छात्रा ऐसी थी जो बिल्कुल अलग दिख रही थी। दरअसल मामला झांसी के चिरगांव का है, जहां राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त महाविद्यालय में जहां पर एक जोड़ा शादी के लिबास में अचानक महाविद्यालय पहुंच गया, जिसे देखकर सभी काफी हैरान थे। आपको बताते चले कि सुल्तानपुरा निवासी एक छात्रा की आज शादी थी और उसकी परीक्षा भी आज ही थी। छात्रा BA सेकेंड ईयर की छात्रा है। जब उसने अपने एग्जाम की बात अपने ससुराली जनों को बताई तो ससुरालियों ने तत्काल उसे एग्जाम देने के लिए अनुमति दे दी और दूल्हा दुल्हन शादी के जोड़े में ही परीक्षा देने के लिए निकल पड़े और दूल्हा अपने साथ दुल्हन को परीक्षा दिलवाने के लिए महाविद्यालय चला आया। छात्रा को दुल्हन के रूप में देखकर सभी लोग काफी आश्चर्यचकित थे, तो वहीं छात्रा के परिवार और ससुराल वाले भी काफी खुश थे। छात्रा पूजा साहू ने बताया कि वह अपने साथियों को संदेश देना चाहती है कि आपका पूरा जीवन पड़ा है, लेकिन शादी के लिए अपनी परीक्षा को छोड़ना कतई समझदारी नहीं है, और अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो अपने पैरों पर भी खड़े हो पाएंगे और आत्मनिर्भर बनेंगे। पूजा ने बताया कि वह परीक्षा देने अपने होने वाले पति के साथ यहाँ आई है। झांसी से मोहम्मद साहब के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? पूजा साहू। किस गांव से हैं आप? सुल्तानपुरा। ये राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त महाविद्यालय में किस ईयर की छात्रा हैं? BA सेकंड ईयर की। तो आज आपकी शादी है, तो शादी क्या संपन्न हो चुकी है? नहीं सर, अभी नहीं हुई है। फिर यहाँ पेपर देने के लिए आई हैं, तो आप किसकी मर्जी से यहाँ पेपर देंगे? अपनी मतलब घर वालों की मर्जी से आए हैं और अपने ससुराल वालों की भी मर्जी से आए हैं। ससुराल पक्ष का क्या कहना है, आगे पढ़ाएंगे? हाँ वो आगे भी पढ़ाएंगे, वो कह रहे हैं जब इतनी आपने पढ़ाई की है तो हम आगे भी आपको जरूर पढ़ाएंगे। कैसा लग रहा है आज आपको? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब हमें ससुराल वाले तैयार है हमें पढ़ाने के लिए। आगे की और भी लड़कियों से छात्राओं से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ हम यही कहना चाहेंगे, भले शादी कर लो पर आगे पढ़ाई ना छोड़े, वो आगे पढ़ाई करते रहे ताकि कुछ बनकर बन जाए, अपने पैरों पर खड़े हो जाए। वो ये तो बड़े सौभाग्य की चीज़ है कि शादी के बाद भी कोई बच्ची अपना सब काम छोड़कर पेपर देने आई। हम लोगों के समय में तो ऐसा होता था अधिकतर कि जिस दिन शादी होती थी उस दिन को छुट्टी ले ले बच्चा या पेपर छोड़ दे। आज कम से कम समाज में इतनी जागरूकता हो गई है कि शादी छोड़ के भी अगर मेरी बच्ची पेपर देने आती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। पढ़ाई के प्रति जागरूक है, वो अपने करियर के प्रति जागरूक है, बड़ा अच्छा लगा उसमें। तो सर इस बच्ची के माता पिता से आप क्या कहना, क्या कुछ कहना चाहेंगे? माता पिता से तो संपर्क टूट जाएगा, उनके ससुराल पक्ष से हमारा निवेदन है कि अगर लड़की इस तरीके से पढ़ने में इंटरेस्ट ले रही है तो उसकी पढ़ाई बंद ना करें। और भी छात्राएं आपके विद्यालय में पढ़ती हैं, उन छात्राओं से आप चैनल के माध्यम से अगर कोई ऐसी शादी ब्याह के बाद स्थिति बनती है तो पढ़ाई ना छोड़े अपनी। झांसी से मोहम्मद साहब के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.